हमारे चैनल वापस स्वागत है। कैसे बा आप सब लोग? ठीक बा कि नहीं ठीक बा? अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे? हम जा रहे दुकनिया पे। तो हम जावत रही निर्मा लाने के लिए, क्योंकि आज हमको कपड़े धोने हैं। इतना ट्रैवल किया, इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं ना धोने के लिए, तो आज हमने सोचा कि आज हम है ना सारे कपड़े धोएंगे। आना क्यों डर रही? यहाँ पे भैंस से डर रही है, देखो आज कितने का है? 65 रुपए का। ठीक है ना, आधा किलो वाला दे दो, और वो भी दे देना चॉकलेट। इधर है ये, बैठ जाओ। हाँ, ये रहा चॉकलेट, ये ले लेते हैं हम। तुम खाओगी? सबके लिए ले लेते हैं हम ये चॉकलेट। वा यार, काश मेरी भी ऐसी छोटी सी दुकान होती तो मैं आप सबको भी कुछ ना कुछ देती। काओ चाही, काओ चाही। कितना हो गया? 30 रुपए है। हाँ 30। और ये इसका कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 रुपए। मैं तो पूरा बैठी गई उधर, मुझे चॉकलेट दे दो मेरे को। धन्यवाद। चलो चले घरे। घरे? काका तुम बैठे बैठे सो रहे हो? हाँ बाबू। नींद आ रही है? नींद आ जाती है। मम्मी हम निर्माला हैं, और ये लो लॉलीपॉप। छोटे बच्चों वाला। जा रही हूँ अभी मैं नहाने के लिए, फिर उसके बाद मैं ना कपड़े भी धोने हैं। मम्मी आप इधर ही रुको, मैं अभी आई ना, और आज मुझे हेयर वॉश भी करना है। ठीक है, जल्दी आना। आ गई मैं मस्त हेयर वॉश करके, और अभी हम लोग है ना सबसे पहले खाना खा लेंगे, वो भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते देखते। कौन कौन तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता है बताओ खाना खाते समय? हम तो हमेशा देखते हैं। देखो हम ना इधर रील शूट कर रहे हैं, और वहाँ से सब लोग कैसे देख रहे हैं गाँव वाले, वो देखो वहाँ आ गए। मैंने देखा ही नहीं अभी तक उनको। हाय, कैसे हो? आई आई अभी जाओ। चलो हम रील शूट करते हैं। आप लोग प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ठीक है? मैं ना चाची को BTS वाला साइन सिखा रही हूँ। चाची ऐसे करा, ऐसे। मेरी बड़ी माँ ही है। बड़ी माँ ऐसे करा, ऐसे ऐसे। अब बोरे लगे आई तब करो। ठीक भाई जाओ। तो मैं आई थी अपने खेत में रील शूट करने के लिए। आपने अगर मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, जल्दी जाके फॉलो करो और रील्स को लाइक करो। मैं आप सबको भी है ना हमारा खेत दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये देखो, ये जो गोबर का क्या बोलते हैं यार इसको, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। आपको याद आ रहा है क्या? कॉमेंट करके बताओ। वो जो चूल्हे में जलाने के लिए काम नहीं आता है, वो है ये। यहाँ पे देखो इतने सारे ये। और फिर इधर से हमारा खेत स्टार्ट होता है। यहाँ पे ना सरसों लगाया हुआ है। मैं यहीं पर आती हूँ रील्स शूट करने के लिए। इधर की साइड पूरा सरसों लगाया हुआ है, ये भी हमारा ही खेत है। देखो इधर की साइड भी सरसों लगाया हुआ है, और देखो इधर का खेत तो मैंने दिखाई दिया था आपको। इधर की साइड टमाटर लगे हुए हैं, ये देखो ये बनाना का पेड़ है, और इधर की साइड गोभी लगी हुई है, और इधर की साइड टमाटर लगे हुए हैं, और ये रहा पपाया। पप्पा का करत बा? कुछ नहीं, बैठे वाले हैं। हाँ तो चलो बाहर जाना है अभी। कहाँ? मैगी लेके आनी है, मुझे मैगी खाने का मन हो रहा है चूल्हे पे। चूल्हे पे मैगी? हाँ। नहीं खाएंगे तुम? क्यों है, नहीं खाएंगे तुम? नहीं खा पाएंगे उसको, धुआं लग जाता बुरा। नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। आप उठो। हाँ उठो चलो। अरे यार पापा मेरे को मत बिठाओ, उठो आप। चलो हम चलते हैं। साइकिल पे चलोगे? साइकिल चलाओगे आप? मेरे बाबा साइकिल नहीं चला रहा। अरे हम पापा के बाल बनावत रही। पापा ऐसे रहो। हाँ बनाओ बाल तो। देखो अभी हमारे पापा कितने हैंडसम लगेंगे। वाओ हैंडसम पापा। ये देखो मैं ना बड़ी माँ को नेल पेंट लगा रही हूँ। दिखाओ बड़ी माँ, कितने सुंदर लग रहे हैं बड़ी माँ के हाथ और पैर भी। पैरों में भी हमने नेल पेंट लगाई है। ये मम्मी देखो आलता लगा रही है पैरों में, जो यूपी में लगाते हैं दुल्हन। हर लेडीज लगाते हैं। हाँ हाँ वही हर लेडीज। तो दुल्हन ही हुआ ना। हाँ। कितना अच्छा लग रहा है देखो मम्मी के पैरों में। और यहाँ पे सभी लेडीज लगाते हैं ना पैरों में आलता, तो मैं इसको बोल रही थी कि बड़ी माँ के पैरों में भी आलता लगा दे। और मैं हमारी हर्षिता को नेल पेंट लगा रही हूँ। हर्षिता मोए मोए। बुआ की तरफ देखो, बुआ की तरफ देखो, मोए मोए।
देखो हमारी मम्मी है ना पूरी दुल्हन बन गई है। चेहरा दिखाओ मम्मी अपना। देख लो। वाह कितनी सुंदर लग रही हो तुम। पापा आपको कब से आवाज दे रहे हैं हम इधर आओ आपको दुल्हन से मिलवाते हैं। आपकी दुल्हन से ऐसे क्यों देख रहे हो? आओ आपकी दुल्हन से मिलवाते हैं। वाला दूसरे को लेके आएगा दुल्हन हम तो वही पुरानी वाली से ही मिला रहे। अरे तो मिलता लो। ओ दीदी इनके लिए एक आधी लड़की देकर शादी कराएंगे दूसरे। इतनी सुंदर कहाँ मिलेगी? हे माँ देखी और एक्टिंग 50 रुपए कट। हे माँ दादी तू बोल दीदी को दीदी मेरे लिए एक दिन में देख लेंगे। ये देखो क्या सच में बात कर रही हो? हाँ सच में बात कर रहे। पापा के लिए नई दुल्हन ढूंढ रहे ये लोग। बड़ी माँ ढूंढेंगी। हाँ बड़ी माँ। हाँ अरे हाँ बोल बड़ी माँ बोलती है। देखो हम खाओ लेके आए। खाओगे पापा? आपके हिसाब से कचरा। हाँ ना पापा ऐसे सब चिप्स वगैरह को कचरा ही बोलते तो पापा को वही बताया हमने। हर्षिता ये देखो हम का लाए। मम्मी वाव कर रही है। खाओ हर्षिता। गोलू गोलू को गोलू ये ले। गोलू को देख पीला पीला सेम सेम। गोलू ये खा। हाँ। खा पकड़ के रहेंगे। क्या कर रही हो? खा रही हूँ। अच्छा है ना? क्या बोलते इसको? नल्ला। हम नल्ला खा रहे हैं। गाय चलो नल्ला खा लो। गाय नल्ला खाना है किसी को? खाओ गोलू खाओ। अच्छा लगा नल्ला? नल्ला खाने का आपको? नल्ला क्या रहता है? वो जो हमने खाया ना लाया ना नल्ला ने रे नरडा। नहीं नल्ला ही बोलते उसको गाँव में। पापा मम्मी कैसन लागत बा? कैसे लग रहे? बहुत ही भारी लागत बा। बहुत बढ़िया लागत बा। अरे बताओ काहे शर्मा रहे हो उधर? काहे छुप रहे हो घास के पीछे? का भाई धनिया? धनिया है पुदीना है। पुदीना अरे बता के तो जाओ शर्मा गए भाई। गांजा भांग बेचे निकले है। गांजा हुए भांग 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 है भांग। इसके पत्ते रगड़ के खाएंगे ना तो चक्कर आ जाएंगी। वाव वाव क्यों नहीं तो ये सब बेचा थिया? तो कहाँ ले जाते हैं का घरे के मंगाए बा का घरे? पापा मंगाए बा। तो भैंसिया मंगाए तो ले जाओ। भैंसिया खाती है ये भांग? हाँ और कुछ बच बच जाए ना तो सोनल को लाके दे दियो हमारे सोनल को खाए लिए। ए सोनल तू साली है ना गो? तू साली है सोनल। साली का तो मजाक जीजा जी करेंगे ना सोनल। मैंने सबसे पहले बोला था सोनल को लाके दो। देखो सारी लड़कियां ना अभी स्कूल से वापस घर जा रही है। देख रहे हो घर आ जा रहे हो? हाँ। अच्छा बाय बाय चाचा। फोटो क्लिक कराने आ गई निकाल लिया। हाँ ठीक है आ जा। तो हम जावत सबसे पहले समोसा चाट खाने फिर उसके बाद में मैगी लेंगे। ठीक बात समझ गए आप सब लोग। अच्छा जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए। उल्टी की है किसने? लाल खून की उल्टी की। हमको भी वेट करना पड़ेगा। चटवा मुंह खवा दे। चटवा की देखो यहाँ पे किसी ने खून की उल्टी की है। हाँ कोई तो खून की उल्टी की वहाँ पे किसी ने। किसने खून की उल्टी की? भीड़ लगा ली बाहर। विकास का घर देखने के लिए ट्रैफिक हो गई। इतने लोग आ रहे बाहर। ट्रैफिक हो गई ट्रैफिक। थैंक यू थैंक यू बहनी बोल। तुम लोग खाएंगे क्या चाट? नहीं खाएंगे?
कभी? यहाँ हम चाय पियेंगे। हाँ अभी हम यहाँ चाय पियेंगे। यहाँ पे सारे यादव ही होते हैं। हाँ यूपी में है ना बहुत सारे लोग यादव होते हैं। कौन कौन यादव है बताओ कमेंट्स में। मैं भी यादव हूँ। बड़ा जल्दी चाय बुला लिया तूने तो। वाह अच्छी होगी ना चाय गर्मा गर्म मस्त। ये लो पापा चेयर्स करो। चेयर्स। सुबह बनाई थी क्या? तो अभी हम लोग जाएंगे गांव के सुपरमार्केट मैगी और भी कुछ दूसरा सामान लेने। मैगी बा बा मैगी बा मैगी बा। अरे तो उन्होंने बोला ना है मैगी तो मैंने बोला हाँ बा मैगी। बा मतलब क्या हो गई मैगी है मैगी। ये मैगी ना ही बा ये दूसरा है कुछ ओरिजिनल वाली मैगी ना बा ये यम यम बा। मैगी मैगी हम आज खाएंगे मैगी मैगी। और क्या चाहिए मम्मी? मम्मी यहाँ से बताओ। नहीं नहीं रहने दो चाचा हम खड़े ही ठीक है। देखो कितने प्यारे लोग हैं। और क्या चाहिए मैं बता दूँ? शक्कर चाय पाउडर तुअर की दाल ये चाहिए। पाँच चाहिए पाँच रुपये दो दो चार पाँच बाकी के दो रख दो। खाएगी विक्स की गोली लो खिंच खिंच दूर करो। सोनल मासी को ज्यादा जरूरत है। रुको मैं निकालती हूँ गुड्डे बिस्किट वहाँ से। हाँ ये देखो ये वाले बिस्कुट है। आई जाए नीचे हो गया और कुछ हो गया बस हो गया। ये देखो ये सारा सामान हमने लिया है। ये है शक्कर दाल मसाले मैगी और ये साबुन और ये बिस्कुट बिस्कुट बोल प्लस ये वाला चूरा नहीं। ये इसका बताओ पहले कितना कितना ये दस पाँच सब दस दस पंद्रह वो हो गए और वो ले लिए हैं हमने सारा सामान। वहाँ अभी हम घर जाएंगे और मैगी बनाएंगे। अब हमें क्या पता था कि जैसे ही हम घर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि काका की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। ये देखो यहाँ पे खेत में मोर है दिख रहे हैं कितने सारे एक दो तीन चार पाँच छह मोर है वहाँ पे। मैं जाऊँ उधर भागते भागते। हाँ भाग गए होते को देख के। ये क्या बात हुई मम्मी? मैं उनको देखने के लिए उतरी थी गाड़ी से वो यहीं पे पास में उधर चल के गए वो। ए गाड़ी के पीछे मत दौड़ो लग जाएगा तुमको समझो दूर हटो गाड़ी से लग जाएगा। हर्षिता हम देखो तुम्हारे लिए काला है सांता क्लॉज आया है। सांता आया है चलो हर्षिता को और गोलू को उनके सामान दे देते हैं। ये लो ये साबुन और ये पाउडर स्कूल में लगा के जाने का स्कूल में लगा के जाना ठीक बा। और ये बिस्कुट गोलू के लिए ये लो गोलू। हाँ चलो बाकी सामान घर में लेते हैं। ये देखो ये चप्पल वाले अंकल आए चप्पल लेनी है मम्मी। डिजाइन अच्छा बा बहुत बढ़िया चप्पल है फिटिंग दिया। देखो चुभेगा नहीं तो आपके पापा मेरे को मत बुला वाला चप्पल नहीं चाहिए तुमको। ये कौन सा डिजाइन है वो जैनसा है जैनसा है काओ काका। अरे हम कहा रहे काका के कि का कब जलेबे। हाँ कब जलेगे जलेबे। हाँ आवाज चला आग लगाए हुआ सेक की का हुई गया काका बुखार आया। देखिए तो हाथ हल्का बुखार हल्का बुखार आया काका को। ठीक बा बुलाओ डॉक्टर के। हाँ घर पर बुलाओ डॉक्टर को। रुको काका हम बुलाते हैं डॉक्टर वा को इधर ही घर पर बुलाएंगे। बुलाओ डॉक्टर को काका। आए गए हैं डॉक्टर अभी सुइया लगाएंगे डरना नहीं ठीक है। दो चार क्या करनी की एक ही सुई लगाओ काका डरना नहीं ठीक है घबराना नहीं। बहुत सुई लागत है डॉक्टर बाबू पूछा। हाँ बहुत सुई लागत है काका को डॉक्टर बाबू जाना। डॉक्टर बाबू ज्यादा सुइया लगाते आप जब छोटे थे तब से ये डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर सर को मैं पहचान लिया जब हम छोटे थे ना तब से आते हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते बहुत दुबले पतले थे। हाँ आप मोटे हो गए। हाँ पहचान लिया। देखो सुइया लाए डॉक्टर देखिए काका सुइया लाए सुइया कैसे कैसे काका डर लागत बा
डर लागत बा काका को। काका डरना नहीं, स्ट्रांग रहना, स्ट्रांग। हमको काका को और है ना 15 या 20 साल और एकदम तंदुरुस्त रखना है कि काका ने ना मतलब हमारे बच्चों की शादी देखनी चाहिए। हाँ काका, हाँ। कि कृष्णा की शादी में आना, ठीक है, छोटे हाँ। बाबू की शादी में आना। अच्छा। लेके जाएंगे हम आपको शादी देखने। बाबा बाबा वहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि हम बंद कमरे में जो है रहते हैं, हाँ। वहाँ न किसी से जान है न पहचान है, किसके यहाँ जाए, कहाँ बैठे, कहाँ उठे। तो हम है ना काका, हमसे बात किया करो, चलो ना एक बार उधर। हाँ बाबू, काका ने देखो पूरी गोनी जला दी। नहीं, डॉक्टर साहब बराबर आवत थे, काका दवाई करत थे, ये दवाई से तो ये जिया तो है। तब तो ठीक बा। कौन से हाथ में सुई लगाएंगे वो भी काका डिसाइड करेंगे। वो देखो। मोबाइल टॉर्च लगा। एक मिनट एक मिनट। डिब्बू बहुत डर रही है, उसको बहुत डर लगता है। हो गए काका, हो गए काका। नहीं काका नहीं डर रहे हैं। नहीं डर रहे काका, वो डिब्बू खुद ही डर रहे हैं। हां कोई डर लग रहा है। काका को दर्द हो रहा है ये बोल रहे। हां हर्षिता काका को दर्द हो रहा है। ये हमारे फैमिली डॉक्टर है। मैं पता है पापा को बोल रही हूँ, जैसे मूवी में होता है ना वो जो फैमिली डॉक्टर आते हैं तो हम उनका बैग लेके जाते हैं ना गाड़ी तक, तो मैं पापा को बोल रही हूँ कि उनका बैग आप लेके जाना। तू ही लेके जाना, तू ही लेके जाना उनको गाड़ी तक छोड़ के आना। ठीक है चलेगा, मैं उठा लूंगी उनका बैग। डॉक्टर के लिए मतलब रिस्पेक्ट रहता कि अपन उनकी बैग ऐसे उठा के चलना, ये रिस्पेक्ट हमने देना चाहिए डॉक्टर को। हाँ हम देंगे उनको ऐसे रिस्पेक्ट। फोन का चलो करो हर्षिता। तो कुछ ऐसा था हमारा गांव का आज का दिन। अब कल हम गांव में देसी म्यूजिक वीडियो शूट करेंगे, बड़ा मजा आएगा। तो जल्दी से कमेंट में बताओ आप गांव के वीडियोस एंजॉय कर रहे हो ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना। बाय।